बिग 70 सेल से मैंने ये सब स्टिकर मंगवाया था। इवन अगर पीछे आप देख पा रहे हो, ये सब स्टिकर्स भी मैंने बिग 70 से मंगवाया था, जहां पर मुझे काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिला है। एंड ये मैंने ऑर्डर दिया है मेरे इस साइड का वॉल के लिए। तो ये वाला जो वॉल है, ये वाला करने वाला हुआ एक्चुअली, ये थोड़ा बहुत एल शेप का ये वाला वॉल है एंड यहाँ पर मैं आज स्टिकर लगाने वाला हूँ। एंड इस साइड में और एक छोटा सा पोर्शन है जहाँ पर मैंने दूसरा कोई कलर लगाया था, लेकिन यहाँ पर जो स्टिकर लगाऊंगा वही वाला स्टिकर यहाँ पर ही लगाऊंगा। फॉर द टाइमिंग आज हम लोग ये वाला करने वाले हैं, देखते हैं स्टिकर का क्वालिटी कैसा है। अगर ये सब स्टिकर्स का प्राइस देखा जाए, प्राइसिंग इसका उतना ज़्यादा नहीं होता है जनरली, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सो टोटल मैंने 3 पीस ऑर्डर दिया है, तो इस टाइप का कुछ रोल्स में आता है, दैट इज आई थिंक 40-45 सेंटीमीटर बाई लंबे में ये होता है 500 सेंटीमीटर एक्चुअली। जब भी आप लेंगे थोड़ा बहुत लेख के लीजिएगा, क्योंकि इसमें 200, 300, 400 सेंटीमीटर होता है। तो मैंने सबसे बड़ा वाला लिया 500 सेंटीमीटर, मुझे पड़ा लगभग 190-199 रुपये, 200 रुपये के आसपास अभी शायद इसका प्राइस है। मतलब आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आई थिंक 218 रुपये या फिर 220 रुपये के आसपास, फिर भी मैं बोलूँगा उस प्राइस में भी ये काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो जो भी रोल्स है, कुछ इस प्रकार का रोल्स आपको मिलता है, पीछे यहाँ पर जनरली पेपर होता है एंड ये एक्चुअली स्टिकर की तरह होता है, तो ऐसे ये निकल जाता है। ये यहाँ पर आपका सेल्फ एडेसिव स्टिकर्स है जो दीवार में लग जाता है काफी आराम से। और एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई भी वॉल पे ये सब काम कर रहे हैं, तो ये जो वॉल है यहाँ पर आपको प्राइमर होना जरूरी है, मतलब पुट्टी या फिर जो प्लास्टर पैरिस जो भी होता है वो करने के बाद यहाँ पर अच्छे से घिसके यहाँ पर प्राइमर लगाना जरूरी है। प्राइमर लगाने के बाद जो धूल है वो चला जाता है, उसके बाद यहाँ पर कोई भी स्टिकर आप लगा सकते हैं, क्योंकि अगर धूल के ऊपर आप लगाएंगे वो स्टिकर सही से चिपकेगा नहीं। तो कुछ साइड ऑलरेडी मैंने लगा दिया है एंड इसको एडजस्ट करके लगाना काफ़ी टफ है, क्योंकि ये जो जॉइंट्स है, हालांकि 100% एक्यूरेट तो हुआ नहीं है, कुछ कुछ का जॉइंट्स काफ़ी एक्यूरेट लग रहा है एंड कुछ कुछ जॉइंट्स थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन अगर दूर से अगर आप देखेंगे तो उतना समझ में नहीं आ रहा है। तो इस टाइप का स्टिकर लेंगे तो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, क्योंकि ये जो धारिया है इसको आपको मेंटेन करके लगाना पड़ता है, तो ये एकदम एक सिंगल स्टिकर लगे। बट ओवरऑल देखने में काफ़ी बढ़िया है, इवन इसका अगर फिनिशिंग देखा जाए काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली इट्स अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। सो मैं तो उतना प्रोफेशनल हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से जितना बन पड़ा है मैंने लगाया है, हल्के ये वाला वॉल भी मैंने लगाया है एंड ये वाला वॉल भी मैं धीरे धीरे लगा रहा हूँ। तो मुझे लगता है पर्सनली काफ़ी अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है, डेफिनेटली यू कैन चेक दिस आउट। इवन इससे पहले भी मैंने मेरे रूम में बहुत बार रेनोवेट किया, मेरा जो छोटा सा स्टूडियो है वहाँ पर मैंने पीछे इस टाइप का स्टिकर लगाया एंड यहाँ पर भी मैंने लगाया, ये जो नया रूम मेरा बन रहा है तो होपफुली लगने के बाद ये काफ़ी अच्छा लगेगा। इवन इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसे वैरायटी ऑफ चॉइसेस है, यू कैन बाय फ्रॉम अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। प्राइसिंग स्टार्ट होता है वही 170-180 रुपए से एंड अलग अलग टाइम पे प्राइस अलग अलग होता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लगाने का प्रोसेस काफ़ी आसान है, खुद से थोड़ा बहुत टाइम लेके आप लगाइए तो बहुत सारा पैसा आप बचा सकते हैं, लोगों को देने का कोई फायदा है नहीं। और अगर आपको एकदम नहीं आता तब डेफिनेटली आपको किसी को हायर करना पड़ेगा जो स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा लेता है। कोलकाता में 7-8 रुपये ले लेता है पर स्क्वायर फीट स्टिकर लगाने के लिए, तो यही वॉल लगाने में मेरे को लग जाएगा लगभग 200 रुपए के आसपास, तो वो पैसा आप बचा सकते हैं। मुझे फॉर द टाइमिंग 3 रोल लगा है एंड देखता हूँ और रोल लगेगा कि नहीं, मुझे लगता है और नहीं लगेगा इसके अंदर हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में अभी तक लिए इतना ही, दिस इज योर होस्ट साइन अप फ्रॉम डैड, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।